हनुमान जी तुम लोगों से मारे मारे बचते बचते फिरते हैं, इसीलिए तो दर्शन नहीं देते, सामने नहीं दिखाई देते। हनुमान जी को क्या समस्या है किसी को दिखाई दे जाने में? तो हनुमान जी बोले, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। गरुड़ जी महाराज बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं और गरुड़ जी के मन की व्यथा अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वे किस प्रकार से किस चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। हुआ क्या, गरुड़ जी कुछ पूछ कर पछताए नहीं है वैसे, मैं कह रहा हूँ मन ही मन शायद पछता रहे हों, लेकिन बड़े धैर्यपूर्वक अपनी यात्रा कर रहे हैं, बड़ी धैर्यपूर्वक। मन तो व्यथित तभी हो गया था जब राम को अवतार मानने से इनकार कर दिया, राम को एक साधारण मनुष्य जान लिया, और वह जो संशय भीतर जन्मा उसने न जाने कितने प्रकार के दुखों को उपजा दिया। अब भीतर एक गहरी व्याकुलता ने, दुख ने, खिन्नता ने गरुड़ महाराज को घेर लिया। अब घेरे हुए हैं बुरी तरह से, उसी अवसाद में घिरे घिरे नारद जी के पास पहुँचे, सारी कथा बताई कि मेरे मन में इस प्रकार से राम के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया, मैं क्या करूं, आप मुझे इस संदेह से बाहर निकालिए। नारद जी ने सारी बात ध्यान से सुनी और बोले, भाई गरुड़, इस माया ने तो मुझे न जाने कितनी बार नचाया है, और जब मैं माया के द्वारा नचाया गया हूँ तो भला मैं क्या तुम्हारा मार्गदर्शन करूँ। तुम एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी सुपात्र हैं, वे तुम्हारे इस मोह का निवारण करेंगे। अब गरुड़ जी तो प्रसन्न हो गए, होने की बात थी, क्योंकि नारद जी ने बहुत ईमानदार उत्तर दिया था कि मेरे बस का नहीं, ब्रह्मा जी के पास जाओ। मन ही मन गरुड़ जी आश्वस्त थे कि अब मुझे सही जगह भेज दिया गया है, अब उत्तर मिलेगा, मेरे संशय का निवारण होगा। तो पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनी, और सुनने के बाद सबसे पहले तो प्रभु श्री राम को मस्तक नवाया, उनकी महिमा को, उनके प्रताप को, उनके गुणों को मन ही मन पुनः दोहराकर वे बहुत पुलकित हो गए। और उसके बाद गरुड़ से क्या कहते हैं, गरुड़ से कहते हैं कि जो माया है ना, ये बड़ी बलवती है, और यही बात नारद ने कही थी। अब इससे आगे क्या कहते हैं कि इसी माया ने गरुड़ मुझे न जाने कितनी बार नचाया है। अब यह बात सुनकर ब्रह्मा जी की गरुड़ का माथा ठनक गया, ठनकना ही था, सोचने लगे यही बात मुझे नारद जी ने कही थी, और उसके बाद दबा दिया कि पहुंच जाओ भैया ब्रह्मा जी के पास, उत्तर नहीं दिया, लपेट दिया कि निकलो यहां से। बहुत अच्छे ढंग से कहा कि मैं नहीं बता सकता, ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, क्योंकि मुझे माया ने कितनी बार नचाया है। और बिल्कुल यही बात ज्यों की त्यों अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यानी विधाता स्वयं कह रहा है कि इस माया ने तो मुझे कितनी बार नचाया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो क्या ब्रह्मा जी भी मेरे इस संशय का निवारण नहीं करेंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? अब गरुड़ महाराज मुंह ताक रहे हैं ब्रह्मा जी का कि ब्रह्मा जी अब आगे क्या बोलते हैं। अब जो बोलते हैं ब्रह्मा जी उसे सुनिए। अग जगमय जग मम उपराजा, कहते हैं कि सुनो गरुड़, ये जो जितना संसार है ना, जड़ है या चेतन है, जितना भी संसार है, इस सारे जग की रचना मैंने की है, मैं इसका रचनाकार हूँ। ब्रह्मा जी ने बनाया सारा संसार। अब वो अपनी बात की भूमिका बनाना शुरू कर रहे हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं देखो
सारा संसार मैंने बनाया है, इसका रचयिता मैं हूं। नहीं अचरज मोह खग राजा, और इस संसार को बनाने वाले मुझ ब्रह्मा मुझ विधाता को इस माया ने इतनी बार नचाया है, तो अगर खगराज तुम्हें नचा दिया उसने, तुम नाच रहे हो उस समय माया के द्वारा भरमाए गए, तो कोई अचरज की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सामान्य बात है। जब विधाता तक को मुझ तक को इस माया ने न जाने कितनी बार नचाया है, तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं कि तुम नचाए जा रहे हो, नाचो। तब बोले विधि गिरा सुहाई, और उसके बाद विधाता गिरा सुहाई, गिरा माने वाणी, सुहाई माने सुहाने वाले, सुहावनी सुखद लखने वाली, मधुर बड़ी मधुर वाणी में बोले। अब एक बात गहरी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी, नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। गरुड़ जी कह रहे हैं मैं राम को अवतार नहीं मानता। ये बात सुनकर नारद जी बिदके नहीं, लताड़ा नहीं, धिक्कारा नहीं, फटकारा नहीं, बड़ी प्रेम भाव से उत्तर दिया। इसी बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने भी बहुत प्रेम भाव से बहुत मधुर वाणी में गरुड़ जी को उत्तर दिया और दे रहे हैं। अर्थात क्या कि जिस जिसने भी उत्तर दिया इस बात का गरुड़ जी को कि मैं राम को अवतार नहीं मानता, ये बात सुनकर कोई भी नाराज नहीं हुआ, क्रोध से नहीं भरा कोई भी, इसका क्या अर्थ है? समझ रहे हैं इसका अर्थ कि जन सामान्य कितना भड़क जाता है, कितना भड़क जाता है, और वो भड़कना इस बात का प्रतीक है कि भीतर अभी राम का अवतरण नहीं हुआ, राम की सुवास पैदा नहीं हुई, ये इस बात का प्रतीक है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी बड़ी गिरा सुहाई बहुत मधुर वाणी में उनसे कहा, सुहावनी वाणी में कहा, जान महेश राम प्रभुताई, कि राम की जो प्रभुता है ना उसे तो केवल महेश जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, गरुड़ राम की प्रभुता तो सिर्फ महेश जानते हैं, मैं स्वयं कितनी बार नचाया गया, मैं भला राम की प्रभुता कहाँ जान सकता हूँ, नहीं जान सकता। और यही बात नारद कह कर चुके हैं कि मैं माया के द्वारा कितनी बार नचाया गया हूँ। अर्थात क्या कि जो जो माया के द्वारा नचाया गया है वह राम की प्रभुता को जान ही नहीं सकता, कैसे जान पाएगा? माया जिसे घेर चुकी कितनी कितनी बार वो नहीं जान सकता। और इधर विधाता कहते हैं कि राम की प्रभुता को यदि कोई जानता है तो वो महेश जानते हैं। और भगवान शिव अनेक बार पार्वती से कहते हैं कि राम की जो प्रभुता है, राम के जो गुण हैं, उनको मैं जान नहीं पाया हूँ, बस यथा बुद्धि जितनी भी बुद्धि मेरे पास है उसके अनुसार बस कुछ छोटा मोटा मैंने तुम्हें राम के संदर्भ में कह दिया है, कुछ छोटा मोटा बस, राम की प्रभुता का तो मैं भी नहीं जान पाता। ये भगवान शिव कहते हैं, इससे जान लीजिए कि राम की प्रभुता क्या है, कितनी विराट है। विराट शब्द भी उसके लिए बहुत लघु है। जान महेश राम प्रभुताई, बैन ते शंकर पाही जाहु। गरुड़ को कहते हैं हे बैनतेय, गरुड़ जी का नाम बैनतेय भी है, क्यों है? क्योंकि इनकी माता का नाम विनीता था, तो विनीता का पुत्र बैनतेय है। तो यहाँ संबोधित कर रहे हैं विधाता कि विनीता पुत्र तुम भगवान शंकर के पास जाओ। तात अनत पूछो नहीं काहो, और सुनो पुत्र एक बात ध्यान रख लेना, मैंने तुम्हें भगवान शंकर के पास भेजा है क्योंकि वे ही केवल भगवान राम की प्रभुता को जानते हैं,
और जब वे जानते हैं तो वे ही कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। तुम उनके पास जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। क्या? रास्ते में किसी और से मत पूछ लेना, लंबा रास्ता है, भगवान शिव के पास जाओगे, बहुत सारे लोग रास्ते में मिल सकते हैं, अनेक ज्ञानी ऋषि मुनि, तो किसी और से मत पूछ लेना अपना ये प्रश्न, वरना माया और घुमा देगी और भटका देगी, क्योंकि कोई और सुपात्र है ही नहीं। अब आप मेरे मन के सवाल की सीरीज देखते होंगे तो उसमें कितने लोग कहते हैं, हमसे कोई कोई लोग ऐसे कहते हैं, किसी लोग ने ऐसा कहा, मेरे परिवार के लोग ऐसे कहते हैं, हमारे गांव वाले ऐसे कहते हैं, हमने इससे पूछा, उसने वह कहा। अर्थात लोग एक प्रश्न को हजारों लोगों से पूछते हैं और माया हजारों बार उनको घेर कर भ्रमित कर देती है और उनके दिमाग का भट्ठा गोल हो जाता है। गरुड़ के दिमाग का भट्ठा गोल ना हो, उस भट्ठे की गोलाई से बचाने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो उस गोल भट्टे के अंदर कोल्लू के बैल की तरह गरुड़ फिर घूमते ही रहें, तो उससे बचाने के लिए एक विशेष हिदायत, इंस्ट्रक्शन, चेतावनी विधाता देते हैं कि सुनो, भगवान शंकर के पास तो भेज रहा हूँ, तात अनत अन्य कहीं और, पूछो जन का हो, किसी और से कुछ मत पूछना, गांठ बांध लो ये बात। अगर किसी और से पूछ लिया राम की प्रभुता के विषय में, बस मारे जाओगे, क्योंकि जानता तो कोई है ही नहीं, इधर उधर का ज्ञान बगाड़ देगा और तुम वहीं भ्रमित हो जाओगे, तो मत पूछना। एक बात देखो, यहां पर ईमानदारी देखो, किसी पंडित के पास चले जाओ, जरा मंदिर के पंडित के पास, कि पंडित जी जरा राम की प्रभुता बताना। वो कहेगा यहाँ बैठिए जजमान, थाली में 5 प्रकार के फल लाओ, 5 प्रकार के वस्त्र लाओ, 5 प्रकार के नोट लाओ, अभी बताते हैं तुमको, 5 प्रकार का अन्न लाओ, अन्य जो भी 5-5 प्रकार की चीजें हैं सब ले आओ, अब बताते हैं तुमको हम राम की प्रभुताई। और फिर जो अंट संट जो भी पता है बुद्धि में, सब गाने लग जाएंगे पंडित जी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो गाएंगे जो बताएंगे वह गलत होगा, वह सिर्फ तोता रटंत होगा, कागजी होगा, बाहर बाहर का होगा, शास्त्रीय बातें होंगी, पढ़ी लिखी सुनी सुनाई बातें, उनमें अनुभव नहीं होगा, ध्यान का समाधि का, वे कोरी बातें होंगी, बस कोरी बातें। लेकिन यहाँ पर देवर्षि नारद की ईमानदारी देखिए, साफ इनकार कर दिया, मेरे बस का नहीं है भैया, तुम राम की प्रभुता पूछ रहे हो, माया से बचने का मार्ग पूछ रहे हो ना, मैं सुपात्र हूं ही नहीं, मैं कैसे बता दूं। मुझे खुद माया ने इतनी बार नचाया और मैं माया से बचने का तुमको मार्ग बता दूं, राम की प्रभुता बता दूं, मैं नहीं जान सकता। ये जोड़े हाथ विधाता के पास जाओ। विधाता हंसे कि भैया माना, ये संसार मैंने रचाया है, ऑन ड्यूटी हूँ, राम जी ने ड्यूटी लगा दी थी, विधाता जरा रचो संसार, रच दिया मैंने, नौकर आदमी हूँ भैया, सरकार का हुक्म आया, राम जी की सरकार, अब राम जी की सरकार जो हुक्म दे दे उसे भला कोई टाल सकता है। तो गरुड़, मैंने ये संसार ज़रूर बनाया है, इसके जड़ चेतन सबकी रचना मैंने ज़रूर की है, किंतु इस माया ने मुझे बहुत बार नचाया है, मैं भी नाचा हूँ, तो मेरे बस का नहीं कि मैं राम की प्रभुता बता सकूँ। तुम एक काम करो, महेश के पास जाओ, भगवान शिव के पास, वे राम की प्रभुता जानते हैं। अब ये गहरी राज की बात, रहस्य की बात विधाता ने गरुड़ को बता दी। तहां होई तब संशय हाने, और जब तुम भगवान शंकर के पास चले जाओगे ना, तो वहां पर तुम्हारे
इस संशय का नाश हो जाएगा और कहीं नहीं हो सकता। रास्ते में किसी से मत पूछ लेना, किसी से उनके पास जाओ, देखो तुम्हारे संशय का कैसे नाश होता है। वे सब भस्म कर देंगे, जलाकर कामदेव तक को भस्म कर दिया। तुम्हारा संशय है क्या चीज़, जाओ। भेज दिया गरुड़ जी को। चले हूँ बेहग सुनत विधि वाणी, और विधि की वाणी सुनकर, विधाता की वाणी सुनकर गरुड़ जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। होना ही था भाई, सही पता ठिकाना बता दिया, और बता दिया कि वे ही बता सकते हैं, तुम्हारे संशय का निवारण वे ही कर सकते हैं। चल दिए उनके पास। परमातुर बेहगपति आई हूँ तब मोपास, जात रही हूँ कुबेर गृही, रही हूँ उमा कैलाश। अब भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि जिस समय पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए, उस समय मैं कुबेर के पास जाने की तैयारी कर रहा था। उमा, तुम कैलाश पर्वत पर थी। बता रहे हैं ना सारा प्रसंग कि कैसे क्या क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने पूछा था पार्वती ने कि बताइए, ये जो गरुड़ है इन्होंने काकभुषंडी से ही राम की कथा क्यों सुनी, वो तो कौए हैं। और नीच कौए के पास जाकर इस उच्च कोटि के गरुड़ ने, पक्षी राज गरुड़ ने, राजा पक्षियों का जो राजा है, वो जाकर एक बड़े साधारण से, जिसे निकृष्ट जीव माना जाता है, पतित जीव माना जाता है, उस कौए के पास जाकर ज्ञान प्राप्त किया, कथा सुनी, तो वो क्या बात थी। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि गरुड़ जी पहले मेरे पास आए इस सारे लंबे चक्कर को काटते काटते, और उस समय मैं कुबेर के पास जा रहा था, तुम भी मेरे पास नहीं थी, तुम होती तो तुम्हें सारी बात पता ही होती, तुम कैलाश पर्वत पर थी और मैं अकेला जा रहा था, तो रास्ते में उन्होंने मुझे रोक लिया। अब जब रोक लिया तो राम राम भी हुई। तही मम पद सादर सिर नावा, गरुड़ ने सबसे पहले तो आदर सहित मेरे चरणों में अपना मस्तक नवाया। अब देखिए गरुड़ जी की विनम्रता देखिए, कि जिनके पास कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ पाने जा रहे हैं, विद्यार्थी के समान जा रहे हैं, यानी कि विद्या का अर्थ जानने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनके चरणों में शीश नवाया, सबसे पहले। और ये विनम्रता सबसे पहली पहचान है जिज्ञासु की, सबसे पहले। लोग मुझसे अनेक प्रश्न करते हैं राम की बाबत, करेंगे ही, क्योंकि राम कथा हनुमान जी हमसे लिखवा रहे हैं, तो वे हमको उसका उत्तरदायी मानकर, जिम्मेदार मानकर अनेक बार राम के संबंध में प्रश्न करते हैं, प्रश्न कम करते हैं, मुझे धमकाते ज़्यादा है कि देखो तुम्हारे राम ने ये किया, तुम्हारे राम ने ये किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था वैसा किया। वे जिज्ञासु के समान नहीं आते, वे धमकाने के भाव से आते हैं और धमकाते हुए मुझसे प्रश्न पूछते हैं, क्या राम ने ये सही किया। किंतु माया जो है, जब वो महामोह बनकर छाती है, तब इसी प्रकार से लोग प्रश्न पूछते हैं, और जब माया कोमलता के साथ छाती है, तब गरुड़ के समान व्यक्ति प्रश्न पूछता है। भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं रास्ते में था, गरुड़ ने मुझे रास्ते में रोक लिया, और रोक के सबसे पहले तो मेरे चरणों में अपना सिर नवाया, प्रणाम किया, पुनः आपन संदेह सुनावा, और उसके बाद बहुत विनम्रता पूर्वक अपने मन का सारा संदेह मुझे सुना डाला, पूरी राम कहानी कह दी कि कहाँ से मेरा ये संदेह आरंभ हुआ, और मैं कहाँ कहाँ किस किस के पास से भटकता 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 आपके पास आ रहा हूँ। हे भोलेनाथ, आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। हाथ जोड़कर गरुड़ महाराज खड़े हो गए भगवान शिव के आगे। सुनता कर विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। कहते हैं भवानी,
गरुड़ ने जो विनती की, जिस प्रेम भाव से विनती की, उसकी विनती सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसके भीतर सच्चे जिज्ञासु का भाव था, सच्चे विद्यार्थी का। वह कुछ जानना चाहता था, उसकी जिज्ञासा ने उसे खोज के मार्ग पर लगा दिया था। और जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती है, जिज्ञासु की विनम्रता भी बढ़ती है। कितने स्थान पर गए, लेकिन कहीं पर भी गरुड़ जी ने चरणों में सिर नहीं नवाया। और जब पता लगा कि ये ठोर ठिकाना असली है, जहाँ पर राम की प्रभुता का पता लग सकता है, तो भगवान शिव के चरणों में अपना लेट गए, मस्तक टिका दिया। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि भवानी, मैं बहुत मुग्ध हो गया गरुड़ की इस विनम्रता को देखकर। प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी, फिर मैंने बड़े प्रेम के साथ उससे कहा, गरुड़ से क्या कहा, मिलहु गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांति समझाहूं तो ही। मैंने कहा कि सुन गरुड़, पर रास्ते में भाई तू मुझे मिला, मार्ग छेक कर खड़ा हो गया मेरा। अब बता, इतनी बड़ी बात, राम की प्रभुता, ये कोई रास्ते में खड़े खड़े बताई जा सकती है? ये कोई ऐसा विषय है क्या कि इसे अभी बता दिया जाए? सोचो, तुम पूछने के आए हो मेरे से, और मैं तो कुबेर के घर जा रहा हूँ इस समय, मुझे कहीं जाना है। तुम ही बताओ, मैं इस समय राम की प्रभुता जैसा विषय तुम्हें कैसे बता दूँ? तभी होई सब संशय भंगा, जब करहूँ बहुकाल करिए सत्संगा। शिव कहते हैं पार्वती से कि मैंने गरुड़ से कहा, सुनो तुम्हारी बात सही है कि तुम अपने संशय का निवारण करना चाहते हो, लेकिन सुनो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। क्या? तब ही होई सब संशय भंगा, सारे संशय ऐसे भंग नहीं होते, उनके भंग होने का, करने का एक विधि विधान है, एक तरीका है, एक सिस्टम, एक पैटर्न है। उस पैटर्न के अंतर्गत, उस विधि के अंतर्गत ये सारे संशय भंग होते हैं। क्या है वह विधि? जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब तुम बहुत समय तक सत्संग करोगे, बहुत समय तक, तब ये पहली सीढ़ी पूरी होगी। पहले तो तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा। आ गए हो मेरे पास, अच्छी बात है, संशय का निवारण चाहते हो, तो अब जो मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार तुम्हें चलना होगा। उसके अनुसार क्या? बहुत समय तक तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा। ढेर लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, ढेर, कि आपकी तो बोलचाल हनुमान जी के साथ है, हमें बताइए हनुमान जी के दर्शन कैसे करें। मैं उनसे कहता हूँ कि अभी दर्शन की बात भूल जाओ, और जो मैं कहता हूँ पहले इसे करो। तो वो कहते हैं, बात कैसे भूल जाएं दर्शन की? उसी दर्शन की बात करने के लिए तो हमने आपसे सवाल किया है, और जो आप बता रहे हैं पहले इसे करो, तो गारंटी दीजिए कि इसको करते ही फौरन हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने कहा, देखो हनुमान जी तुम लोगों से मारे मारे बचते बचते फिरते हैं, इसीलिए तो दर्शन नहीं देते, सामने नहीं दिखाई देते। हनुमान जी को क्या समस्या है किसी को दिखाई दे जाने में? पूछा हमने हनुमान जी से कि भाई लोगों को दर्शन क्यों नहीं देते हो, ये लोग मेरी जान खा रहे हैं, दर्शन दे दो इन्हें। तो हनुमान जी बोले, तुम नहीं जानते, जिसे दर्शन दे दिए वही गिरबान पकड़ लेगा मेरी और कहेगा, देख देख मारुति नंदन, देख रामदूत, ये बंडल के बंडल देख रहा है, राम नाम के बैंक के, 1 करोड़ बार राम का नाम लिखा है और राम ने अभी भी दर्शन नहीं दिए, और तेरी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और ना जाने कौन कौन से बाण, ना जाने कितनी बार ये बाण हम छोड़ चुके हैं, कितनी कितनी बार गा चुके हैं, अब बता तूने दर्शन क्यों नहीं दिए? और अब दर्शन दे ही दिए हैं तो अब ये बोलता क्यों नहीं कि बच्चा मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। इसी लाइन को बुलवाने के लिए तो ये हम इतना गोरख धंधा मचाए हुए हैं, ये दिन रात जान खा रहे हैं हनुमान चालीसा गा गा के, राम बाण, बजरंग बाण और पता नहीं कौन कौन से मंत्र शंत्र पढ़ रहे हैं, करोड़ों बार राम का नाम लिख रहे हैं। क्यों? कि एक बार तो तुम प्रकट हो जाओ,
सारा हिसाब किताब बराबर करवा लेंगे। हमें तो बस यही बुलवाना है तुम्हारे मुंह से कि मांगो क्या वर मांगते हो, यही मंगवाना है। लेकिन गरुड़ जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बस जो भगवान शंकर कहने वाले हैं। आए हैं भगवान शिव के पास किस लिए? कि वे राम की प्रभुता बताएंगे, इस संशय का निवारण बताएंगे। तो जिसके पास गए हैं उसके अनुसार चलना तो होगा ना। जिससे ज्ञान पाने गए हैं उस ज्ञान पाने वाले के दिशा निर्देश के अनुसार आगे पग तो बढ़ाने होंगे ना। तब बहुकाल करिए सत्संगा, सुनिए तहां हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ही जो गाई। भगवान शिव कहते हैं तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सुनिए तहां हरि कथा सुहाई। जहां कहीं भगवान की कथा हो रही हो उस सुंदर सुहानी कथा को तुम्हें जाकर सुनना होगा सबसे पहले। नाना भांति मुनि ही जो गाई, जो मुनियों ने नाना प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से श्री हरि की कथा को गाया है, राम की कथा को गाया है, उस राम की कथा को तुम्हें स्थान स्थान पर जाकर सुनना होगा। पहले तो ये काम करो, सबसे पहला काम उस कथा को सुनो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मेरी एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि मैं घूमता रहता था, कहीं पर भी पता लग जाए कि राम की कथा हो रही है मैं वहाँ पहुँच जाता था, सबसे पीछे बैठ गया, कथा सुनता था जहाँ कहीं पता लग जाए। तो ऐसा रस कथा का जग गया था कि बस पहुँच जाता था। और वो कथा न जाने मैंने कितनी बार सुनी होती थी, लेकिन जब भी सुनने बैठता था लगता था आज पहली बार सुन रहा हूँ, उसी भाव से उसी प्रेम से। तो वही भगवान शंकर बात यहाँ बता रहे हैं पहले गरुड़ को कि पहले तुमको राम की कथाएं सुननी होगी, पहले तो सुनना है उनको। जेहु महु आदि मध्य अवसाना, कहते हैं अब सुनो कथा भी कौन सी सुनोगे हरि की, कि जिस कथा के आदि में यानी शुरुआत में मध्य में और अवसान माने अंत में तीनों जगहों पर प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, जिस कथा का प्रतिपाद्य सार यह हो, आरंभ का मध्य का और अंत का, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान किया गया हो, केवल वही कथा राम की कथा। मुझे अनेक कृष्ण भक्त मिलते हैं, वे कहते हैं कि राम कुछ भी नहीं है भगवान कृष्ण के आगे। मैं पूछता हूं क्या राम कथा पढ़ते हैं आप, सुनते हैं? बोले हम क्यों सुने राम कथा, हमारा राम से क्या लेना देना, हम तो 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण से बड़ा कोई है ही नहीं, राम तो कुछ है ही नहीं उनके सामने। 16 कला संपूर्ण, राम में कितनी कला थी, 16 थोड़ी ना थी। तो मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा भाई तुम में कितनी कला है बताओ, तुम कृष्ण के भक्त हो, उनमें 16 कलाएँ थी, तुम में कितनी है? तो फिर भौचक्के से मेरी तरफ देखते हैं, कहते हम में तो एक भी नहीं है। मैंने कहा जिसमें एक भी कला ना हो वो राम का निर्णायक बना घूमता है। एक कला नहीं तुम्हारे अंदर, धेले की कला, ये तुम खुद स्वीकार कर रहे हो और तुम राम का मूल्यांकन करते हो। ये माया का घेराव ऐसा जबरदस्त घेराव है, ऐसा जबरदस्त कि जो जिस जिस देवी देवता को पकड़े बैठा है, पकड़ा दिया माया ने, एक देवी एक देवता, कोई किसी किसी को कुछ कुछ पकड़ाती गई माया कि भैया तू इन सब को पकड़ ले और राम से दूर रहे, राम से परे रहे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि बच्चा माँ की जिद करता है, रोता है माँ के पास आने के लिए, माँ बड़ी समझदार है, माँ क्या करती है उसे खिलौना दे देती है, वो खिलौने से खेलता रहता है, फिर रोता है खिलौने से ऊब कर माँ के लिए, माँ उसे कुछ और चीज़ दे देती है, मीठा खाने को दे देती है, वो उसमें लगा रहता है। तो जब जब वो कुछ बेचैन होता है माँ के लिए तब तब माँ उसे कुछ न कुछ देती रहती है और वो माँ को भूला रहता है। तो यहाँ पर जो माँ है ना वो राम है, और
इस छोटे छोटे देवी देवताओं को लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, और ये जो राम की माया है ना वही पकड़ा देती है, कहती ये लो और राम को भूल जाओ, और सुनो राम को छोटा ही समझना, यही कहना कि हमारा देवता सबसे महान, हमारा गुरु सबसे महान, बाकी राम वाम कुछ नहीं है। ऐसे कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त बहुत देखे मैं, शिव भक्त जो कहते राम कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ हाँ सच कहा तुमने, सच कहा। मैं देखता हूँ उनके पीछे खड़ी माया को मुस्कुराते हुए, बड़े स्टाइल के साथ मुस्कुरा रही होती है माया, और कह रही होती है मुझसे इन्हें समझाना मत, कभी इनको समझाने के चक्कर में मत पड़ जाना तुम। मैं तो हाथ जोड़ देता हूँ माया को, कहता हूँ कि मैं तो मज़ा ले रहा हूँ तुम्हारे खेल का, राम झरोके बैठ के जक्का मुजरा देख, माया तू ये मुजरा दिखा रही है, मैं तो मुजरे का मज़ा ले रहा हूँ, मैंने कहाँ किसको समझाना, अरे मेरे अपनी मस्ती से फुर्सत नहीं मिलती, मैं क्यों किसी को समझाऊं? तो हम नहीं समझाते किसी को, प्रसन्न होते हैं बस देखकर, पर बहुत प्रसन्न होते हैं। जब कोई कहता है कि राम कुछ भी नहीं है, तब मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ, ठीक है भैया सही घिर गए हो माया से, तबीयत से घेर लिया है माया ने। शिव ने कह दिया ऐसी कथा जिसका आदि मध्य और अंत तीनों में जो प्रतिपाद्य निकलता हो, जो सार निकलता हो, जो निचोड़ निकलता हो, जो फ्रेग्रेंस हो, सुगंध हो, सुवास हो, वह राम की हो। नित हरि कथा होत जहां भाई, जहां पर नित हरि कथा होती है, सुनो मेरे भाई कितने प्यार से, दुलार से, वात्सल्य से शिव गरुड़ से बात कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं भाई लाड में, लाड लड़ा रहे हैं उसका, लाड लड़ाते हुए कह रहे हैं कि सुन मेरे भाई, जहां नित राम की कथा होती हो वहां जाना है, पठवाऊं तहां सुनो तुम जाए, और सुनो मेरे भाई मैं तुम्हें बताऊंगा कहां जाना है, कहां राम की कथा हो रही है, वास्तविक राम की कथा कहाँ हो रही है इस बात का पता मैं तुम्हें बताऊंगा, कहीं इधर उधर मत बैठ जाना सुनने। ऐसा क्यों कहा? जाई है सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई है अति नेहा। जब तुम वहां जाओगे जो जगह मैं बता रहा हूं, तो वहां पर क्या होगा? जाई है सुनत सकल संदेहा, तुम्हारे सारे संदेह वहां पर मिट जाएंगे, राम चरण हो यह अति नेहा, और राम के श्री चरणों में तुम्हारा अति नेह प्रेम प्रीति हो जाएगी। उस जगह जाना जहां मैं बता रहा हूं, शिव कहते हैं। क्यों कह रहे हैं भाई? कि जहां पर राम कथा सच में हो रही है वहां जाना, वो जगह मैं बताऊंगा, कारण है उसका। इतने लोग राम कथा कह रहे हैं, बहुत कह रहे हैं। एक बार सत्संग हो रहा था और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद का गायन सुनने जरूर जाते थे, गोष्ठी होती थी तो कहते थे कि नहीं पहले नरेंद्र का भजन होगा, नरेंद्र नाथ दत्त यह नाम था स्वामी विवेकानंद का, तो वो नरेन बोलते थे प्रेम से, कुछ तोतले तो थे ही रामकृष्ण परमहंस, तो कहते पहले नरेन भजन गाएगा। तो अपने एक शिष्य के घर बैठे थे और विवेकानंद ने जो भजन गाना शुरू किया रामकृष्ण परमहंस उठकर चले गए दूसरे कमरे में, कहां वे विवेकानंद का भजन सुन के अघाते नहीं थे, कहते थे और सुना, तृप्ति नहीं होते थे, और कहा दो पंक्ति गाई होगी बमुश्किल, बमुश्किल
उठकर चले गए। खैर, भजन इत्यादि पूरा हुआ, सत्संग समाप्त हुआ, विवेकानंद पहुंचते हैं अंदर के कमरे में रामकृष्ण परमहंस के पास। बोले, ठाकुर आप उठकर क्यों आ गए? और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने देखा विवेकानंद आया है, पीठ पीछे करके बैठ गए। बड़े हैरान विवेकानंद, की चक्कर क्या है? बोले, ठाकुर आप उठकर क्यों आ गए भजन से? तो पहले तो रामकृष्ण परमहंस ने तबीयत से गाली दी विवेकानंद को। संतों की गालियां बड़ी अद्भुत होती हैं, उनमें कुछ नहीं होता है, जैसे आग बिना आंच के। रामकृष्ण परमहंस देहाती तो थे, अपनी मौज में गालियां भी खूब देते थे। तो पहले तो विवेकानंद को गालियां दी बहुत, और फिर बोले, तू माँ के लिए थोड़ी ना गा रहा था भजन, तू काली के लिए थोड़ी ना गा रहा था भजन, तेरे भजन में दुर्गंध थी गाने में। वो भजन तू वहां बैठे किसी अमीर आदमी के लिए गा रहा था कि वो तेरा भजन सुने और तेरा भजन सुन के तुझे नौकरी दे दे, तो उसको प्रभावित करने के लिए गा रहा था, तेरे भजन की दुर्गंध ने मुझे उठा दिया। विवेकानंद बहुत लज्जित हुए, बहुत लज्जित हुए। एक मित्र मेरे पास आए, बोले, मैंने महामाई का जागरण रखवाया है और जो जागरण गाने आएगा उसने 5 लाख रुपए लिए। 5 लाख वाला है जो गाने वाला है, बड़ा फेमस, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, 2 साल तक डेट बुक है उसकी, लेकिन बड़ी अप्रोच लगाई, जुगाड़ लगाया, तब जाकर 5 लाख, वो भी सिफारिश के बाद 5 लाख वाला है। और कार्ड लेकर आए थे मेरे पास माता के जागरण का, चौकी का, मिठाई का डब्बा था। मैंने कहा, ऐसा है, बेशक से तुम माता की चौकी करवा रहे हो, लेकिन ये 5 लाख की बात कहते ही ना तुम्हारी चौकी बेकार हो गई, बिल्कुल बेकार। माता की चौकी नहीं हो रही, या तो 5 लाख का तुम गुणगान कर रहे हो सब जगह जाकर। वो बोले, करना पड़ता है भाई, मेरे से बोले, बिजनेस सर्कल का गेट टुगेदर मुझे करना है, अब कैसे करूं? कोई घर में ना कोई शादी हो रही, ना कुछ ऐसा हो रहा, किसी का जन्मदिन मनाऊंगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता, उस पर बुलाऊंगा, तो सबसे अच्छा मैंने सोचा माता की चौकी रख दो, एक बिजनेस जो मेरे क्लाइंट है वो सब एक तरफ आ तो जाएंगे, गेट टुगेदर हो जाएगा। तो गया मैं भी उस गेट टुगेदर में, जाना ही था भाई, मित्र हैं, घर पर कार्ड देने आए हैं, पत्नी के साथ आए हैं, और महामाई का जागरण है, जाना तो बनता था। तो गया, देखा जागरण चल रहा है, साथ में चाट पकौड़ी, बल्ले पापड़ी सब चल रहे हैं, ठीक है, चलने चाहिए, उसकी कोई बुराई नहीं है, खा रहे हैं भक्त, कोई बात नहीं। लेकिन जो गाने वाला है, उस गाने वाले के भाव में बस ये था, ऑडियंस को इम्प्रेस करना, इम्प्रेस करना, कि किस तरह से सारे ऑडियंस इम्प्रेस हों और आगे की डेट्स और बढ़ जाएं, डायरी और बढ़ जाए, ये जो 2 साल के अपॉइंटमेंट है 3 साल में बदल जाएं। भक्ति का भाव कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, भक्ति की तारतम्यता, भक्ति का एक जो रस है वो नहीं था। 10 बार तो बीच बीच में डीजे वाले को कह रहा था कि जय माता दी, अरे साउंड ठीक कर भाई, ये मीटर ठीक नहीं है, अरे बात समझ में नहीं आ रही क्या, हाँ इसको यहाँ नीचे कर, इसको ऊपर कर, लेवल ठीक कर, बास ठीक कर, जय माता दी, हाँ तो भक्तो, फिर शुरू। बात यह है कि राम की कथा जो कह रहा है, क्या राम के रस में लीन होकर कह रहा है? क्या राम की प्रभुताई से
आप्लावित होकर कह रहा है। क्या उसका हृदय राम की महिमा में गदगद होकर, राम के प्रेम में सराबोर होकर उस कथा को कह रहा है? यदि कह रहा है तो सच में फिर वह राम कथा कह रहा है, और उस कथा में हनुमान जी अवश्य पधारते हैं सुनने। जब भी कोई हृदय से राम की कथा को गाता है, पहुंच जाते हैं हनुमान जी वहां। केवल वहीं पहुंचते हैं, याद रख लेना। ये मत समझ लेना कि जहां कहीं सिर्फ फैशनेबल राम कथा कोई रखवा देगा वहां पहुंच जाएंगे हनुमान जी। हनुमान जी वहां नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? हनुमान जी मधुमक्खी हैं, असली फूल पर बैठेंगे। तुम प्लास्टिक का कितना बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन फूल लगा दो और उस पर परफ्यूम भी छिड़क दो, फिर भी हनुमान जी रूपी मधुमक्खी उस फूल पर नहीं बैठेंगे। वो तो राम के फूल पर बैठेंगे, जो सच्चा राम का फूल खिला हो, जिसमें से राम की सुगंध आती हो, वही सुगंध हनुमान जी को खींच कर लाएगी। और यही बात भगवान शंकर गरुड़ को समझा दिए हैं, बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो ही अति नेहा। तुम वहां जाओ जहां मैं बता रहा हूं, उस जगह पर, और देखना उस जगह पर जाकर तुम्हारे सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे और प्रभु श्री राम के चरणों में तुम्हारी प्रीति लग जाएगी। कौन सा स्थान है? आप भी जाना चाहेंगे वहां पर? मैं तो होकर आ चुका हूं, मेरी बात मत करना, मैं होकर आ चुका हूं। आप जाना चाहेंगे, चलना है, कल आ जाइएगा, ख्यालों में ले चलेंगे। राम राम।